हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में सोनम कपूर की प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिलती रहे। दो दिन पहले सोनम कपूर की बहन रिया कपूर की शादी थी और उनकी शादी काफ़ी चर्चा में रही। और उनकी शादी पर सबसे ज़्यादा जो बात डिस्कस की जा रही थी वो सोनम कपूर की प्रेगनेंसी थी, क्योंकि अपनी पिक्चर्स में सोनम कपूर प्रेग्नेंट लग रही थी और सभी कह रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उन्होंने इस बारे में बात नहीं की है। सारी शादी में उन्होंने ढीला ढाला लिबास पहना हुआ था और स्पेशल दुपट्टा लपेटे हुए थी, अदरवाइज सोनम कपूर ने कभी ऐसी ड्रेसिंग नहीं की। और अपने फेस से भी वो काफ़ी हेल्दी और थकी थकी सी लग रही थी। कुछ दिन पहले सोनम कपूर जब लंदन से मुंबई आई थी, उनको एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था और उसमें वो प्रेग्नेंट लग रही थी, क्योंकि वो अपना बेबी बम फ्लॉन्ट कर रही थी। तब से लेकर आज तक उनकी प्रेगनेंसी चर्चा में है। सोनम कपूर की जब से शादी हुई है वो लंदन शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि वो इंडिया से बेहतर लंदन में रहना पसंद करती हैं। और अब वो अपनी बहन की शादी अटेंड करने के लिए दोबारा से इंडिया आई थी। अब क्योंकि शादी हो चुकी है और सोनम जल्द ही लंदन लौट जाएंगी और वहीं पर अपने बच्चों की डिलीवरी करेंगी। सोनम कपूर की परफॉर्मेंसेस को आज भी मिस किया जाता है, उनके फैंस उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उनको दोबारा से स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, क्योंकि सोनम कपूर बॉलीवुड की बहुत ही डिसेंट और क्यूट अदाकारा हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी हैं और उनके स्टाइल की वजह से उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इवन कि उनको बॉलीवुड की मोस्ट स्टाइलिश एक्ट्रेस कहा जाता है। बॉलीवुड की बहुत सारी अदाकाराओं की तरह इस साल वो भी मम्मी बनने जा रही हैं और उनके बच्चे का सुनकर उनके फैंस को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। बाय द वे, आपको सोनम की प्रेगनेंसी के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।